Ahead of the big Lok Sabha elections, if so there's going to be one constituency that will be prime focus, perhaps that could be Hyderabad. And now, because Bharatiya Janata Party has decided to put forth candidate Madhvi Lata against Asaduddin Owaisi, does she stand a chance? Speaking exclusively to India Today, Madhvi not only slammed the opposition and hailed the Prime Minister's development push. Here's what she has said in this exclusive conversation with Abdul Bashir. Listen in. भैया यहाँ पे बीआरएस ने पूरा राष्ट्र को ऐसे परिस्थिति में छोड़कर चली गई है कि गरीबी में छोड़कर चली गई इसलिए सिर्फ छह गारंटी बोले ही छह गारंटी भी कर नहीं पाए हमारे मोदी भाई तो पूरा भारत देश को दुनिया में आर्थिक रूप में से कहीं नीचे रहने वाला देश को ऊपर लेके आके पांच पे छोड़ दिए ना तो इन लोगों को पैसों की लालच दिख रही है तो 25 बोल देंगे देश भर ये लोग मैं एक ही बात कहूंगी आपसे आप, आप जम्मू एंड कश्मीर को फिर से उसका स्टेटहुड देना चाह रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप ये देकर देश को पूरा भारत देश अपनाना चाहता है जो कश्मीर भी भारत देश को अपनाना चाहता है इस देश का शान बनना चाहता है वो और हम सब उसको अपने में एक कर पूरा भारत देश कहना चाहते हैं आप फिर उसको तोड़ डालना चाह रहे हो उसको अलग करना चाह रहे हो आप अलग करके आप क्या हासिल करोगे वही थर्टी फाइव के लोग 1940 में से है और आज तक जब तक भाजपा ने थ्री आर्टिकल आप एस सी एस टी को 50 परसेंट ओबीसी को 50 परसेंट रिजर्वेशन देंगे बोलकर आप फिर कश्मीर को आप उसी स्थान पर लेके जाना चाह रहे तो वहां के एस सी एस टी को क्या न्याय दिलाना चाह रहे आप हाउ कैन यू हैव टू एक एक प्रकार से दूसरा दूसरे प्रकार से और आप कह रहे हिस्सेदारी का न्याय ये जो इलेक्शन के सामने आप आकर जो वोट के लिए बार बार अपने मनमानी के जैसे आप जो वादा करके निकल जाते हो और गवर्नमेंट आने के बाद भी आप कर नहीं पाए बीआरएस गवर्नमेंट से जब आप जीते हो छह आप जो दिए वादा बताइए आप कितने पूरे करे उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है आज तक किसी ने गौर तक नहीं किया तेलंगाना गवर्नमेंट में तकरीबन जो 9-10 साल गुजर गए हैं वी आर के यहाँ आज तक नए रेशन कार्ड नहीं बने और यहाँ के कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने भी स्कीम्स दिए हुए हैं सारे रेशन कार्ड से लिंक्ड है दस सालों से कई गरीब परिवारों को रेशन कार्ड तक नहीं मिला जिसके वजह से वो लोग कोई भी स्कीम को नहीं पाए यहाँ तक की गैस सिलेंडर जो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने भी पांच देने में वादा किया पहले इसको निभाओ साहब देश तक क्यों बात कर रहे हो आप जहां जीते हैं आप उसको निभा नहीं पा रहे हो जो इतने साल उनसे नहीं जीत पा रहे आप उसको 25 देकर आप वादे क्या निभा पाओगे इसको पहले निभाइए और अपने आप को दिखाइए कल यहीं पर तेलंगाना राज्य में एक नेशनल मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन किया जाएगा तो कुगुडम में कड़ी, बड़ी मीटिंग रखी गई कांग्रेस की तरफ से बड़ी तैयारी हो रही है क्या लग रहा है यहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की कांग्रेस तैयारी कर रही है इसको कैसे देखती है कुछ नहीं साहब मैं बताती हूँ यहाँ के लोग ऐसे यहाँ पे जो लोग है तेलंगाना के लोग है बार 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 ठोकर खा रहे हैं तो इनको लगता है कि ये सोच नहीं सकते है तेलंगाना प्रजा को धोखा देना इन लोगों को बहुत आसान हो गया आज तक चाहे कांग्रेस रहने दीजिए या बीआरएस रहने दीजिए, अपने-अपने जेब भरते चले गए ये लोग। और हमारे तेलंगाना के लोग जागृत नहीं हुए जब पूरा आंध्र राष्ट्र था तब भी जागृत नहीं हुए तेलंगाना जब बना तब भी जागृत नहीं हुए ये लोगों के ऊपर इतने सारे मार खाए हुए लोग है ये कि आज तक इन लोगों को बाहर उठने नहीं हुआ लेकिन अब की बार तेलंगाना प्रजे प्रजा थक भी गए हैं और उनके आंख खुल भी गए हैं ये अभी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये चाहे तेलंगाना में कहीं से भी इस मैनिफेस्टो को डिक्लेयर करने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके पांच में चार तो हमारे मोदी भाई पहले कह चुके हैं वो दलित तो बोल चुके हैं जिसके अंदर एस सी एस टी ओबीसी आगे हैं वो औरत कह चुके हैं वो युवा कह चुके हैं, वो किसान कह चुके हैं अपने ही कॉपी मार के ये लोग अरे कभी तो खुद का कुछ बात करो साहब ये कितने साल आप कॉपी मास्टर्स बनकर कुछ मैनिफेस्टो का नाम बताओगे आप ये इनसे होने वाली बात नहीं है ये तेलंगाना के ऊपर एक प्रकार का मैं कहती हूँ इट इज लाइक इंसल्टिंग है क्योंकि आप यही हमारे लोगों के ऊपर आकर कर, जीत कर हमको किसी प्रकार के वादा ना निभाते हुए हिम्मत आपकी फिर आप इधर ही आकर फिर मैनिफेस्टो खोलोगे आप अपने नया और आप यहाँ के एम से जुड़ जाओगे पीछे कहते हो तुम दोनों का लड़ते हो सबके सामने कहते हो तो आप लड़ते हो और पीछे इधर आकर दोनों एक दूर से मिल जाते हो और यहाँ से आप मैनिफेस्टो डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपकी बात यह नहीं होगी